फ्रांसीसी क्रांति के कुछ कारणों पर चर्चा की थी, जैसे कि उस समय पर आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्रांति किस तरीके से जन्म ले रही है और क्रांति उस समय पर शासक वर्ग है उसकी भूमिका क्या रही है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि उस समय के पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, वैचारिक कारण क्या थे, तत्कालिक कारण क्या थे। पॉलिटिकल रीजंस में आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वहां पर जो बेसिकली कहीं की भी पॉलिटिकल रीजन हो वहां पर उनके अधिकार अधिकार ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था आपका ये स्ट्रक्चर इस तरीके से था, ऊपर पर पादरी वर्ग थे या सामंत वर्ग, ठीक है, यहाँ पर छोटे सामंत थे, ये जो दो वर्ग थे उनके पास सारे अधिकार वोटिंग राइट्स लेके सभी अधिकार के पास थे, लेकिन जो इतना बड़ा वर्ग था उनका भी आपका 70 से 80% तक था, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी का 10% था, बाकी इनके पास सारे पैसे इनको देने पड़ते थे, लेकिन इनके पास क्या नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, है ना। शासकों की इस समय पर जो आयोग्यता भी थी, आयोग के शासक ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आयोग के शासक से तात्पर्य यह है कि जो वहां के गुरु वंश के शासक थे उन्हें वहां की जनता से कोई लेना देना नहीं था, अपने फायदे के लिए सिर्फ काम किया जा रहा था। वहां पर धीरे धीरे फ्रांस हमेशा युद्ध में भी रहता था, तो क्या है कि वहां पर आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ साथ वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन महंगाई के प्रति राजनीतिक क्या बोलते न्यूट्रलिटी से बोलते स्थिति बनी हुई थी, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा था। आर्थिक संकट के दौरान भी जो लुईस 14वें थे जो राजा थे वहां के, उनकी भी स्थिति बिल्कुल डामाडोल थी, मतलब कोई डिसीजन ले रहे मतलब नहीं है, उनकी रानी के पास लोग गए उनसे कहा मैडम ऐसी समस्या है हम लोगों को ब्रेड खाने को नहीं मिल रही, इतनी महंगाई है, उन्होंने ब्रेड नहीं खा पा रहा खाओ, मतलब उसको इतना भी अंदाजा नहीं था कि ब्रेड और गेहूँ में कितना अंतर होता है ना। तो ये स्थिति बनी हुई थी, राजनीतिक कारण ये थे कि यहाँ पर लोगों के पास सारी जिम्मेदारियां थी लेकिन उनके पास चुनने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, टैक्स उसे ले जा रहे, इस समय पर एक मुहिम भी चली थी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिका में भी चला था, ये यहाँ पे भी चला था, ठीक है, ये कारण ये पॉलिटिकल जाता है। अगर वैचारिक कारणों की बात करें तो क्या है कि जो ये तीसरा वर्ग था इसमें सबसे अधिक आप लोग गिना जाता है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, इस वर्ग में आपके आपके डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लेखक शिक्षक, तो क्या है कि हालांकि कर तो कुछ नहीं सकते लेकिन उकसा जन सकते लोगों के लिए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं समझदार हैं चीजें ज्ञान है समय पर, तो क्या हुआ क्रांति के लिए असंतोष का होना ही पर्याप्त नहीं था उस समय पर, बल्कि इस चेतना का एहसास लोगों के अंदर करवाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा था। उस समय पर क्या हुआ जो कुछ वैचारिक दार्शनिक हुआ करते थे उनकी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया, लोगों को बताया कि आप लोग कोई टैक्स कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को अधिकार नहीं कुछ भी, आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो लोगों को जागरूक करने का कार्य था उस समय पर मध्यम वर्ग ने किया, मध्यम वर्ग यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ साथ यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसमें कि दार्शनिक लोग आ जाते हैं, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, आपका रूसो, ये जो लोग हैं ये शासक वर्ग राजतंत्र की जो पढ़ते हैं राजतंत्र की जो कमियां हैं उनको लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि राजतंत्र में देखिए आप क्या हो रहा है, लोग सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, इस तरीके से ये सारी चीज चल रही है। इस संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति में देखें अगर तो फ्रांस भी एक यूरोप के प्रकार का क्षेत्र था, ठीक है, ठीक ठाक स्थिति थी, मतलब एक मॉडर्न वर्ल्ड बनने जा रहा था, मॉडर्न कंट्री बनने जा रहा था, लेकिन वहां पर जो और लोगों से कंडीशन थी लोगों की वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, मतलब ना तो उनके पास बेसिकली सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, ठीक है, तो ये जो चीज थी वो गिना रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं अलग देशों जर्मनी से, इटली से, देखो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो मानुष्य ने धर्मकुश व्यवस्था के प्रति उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन का सिद्धांत दिया मानुष्य द्वारा मॉन्टेस्क्यू, इसे आज भी क्या बोलते एक अच्छा मनुष्य और अच्छा दार्शनिक माना जाता है, शक्ति प्रदर्शन का सिद्धांत दिया शक्ति, ये कह रहे हैं कि जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, सारी पावर राजा के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या है कि अभी क्या राजा के पास पावर होती थी, राजा के जो चक्रधार होते थे, चाकू होते थे, वही अधिकारी बन जाते थे,
वही सेनापति बनना चाहते तो जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये कह रहे हैं वलदेव भी बात कर रहे हैं कि जो धर्मतंत्र है कठोर शब्दों में इसकी बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर समाज नहीं होना चाहिए या देश नहीं चलना चाहिए, देश चलना चाहिए वहां के नियम के अनुसार कानूनों के अनुसार, ठीक है। तो ये बात वलदेव कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो बातें हैं फ्रांसीसी क्रांति की ये धीमे आगे सब जगह घूमती है। नेपोलियन बीसी को आगे बढ़ाता है, नेपोलियन इन बातों को लेकर आगे बढ़ता है और विदेशों में जो लोकतंत्र की जो मांग है उसको आगे बढ़ाता है। ये काम क्या होता है नेपोलियन बखूबी अच्छे तरीके से करना कर रहा है। लेकिन एक बात स्थिति है, अब ये क्रांति की स्थिति में चल रहे हैं, क्रांति किस तरीके से हो रही है। रूसों ने भी संप्रभुता को जनता में नहीं माना, मतलब उन्होंने कहा कि राजा देश नहीं होता है, देश जनता होती है, जनता द्वारा देश चलाया जाता है, ठीक है। राजा मात्र एक प्रतिनिधि होता है। ये बात रूसों को समय में कह रहे हैं, इससे ढाई सौ तीन साल पहले, है ना। तो लोगों को बात अच्छी लगी, बात सही कह रहे भाई अपना। तो इन्होंने कहा कि साथ ही राज्य को सामाजिक समृद्धि का परिणाम यदि मतलब समझे इसको, लोगों को उन्होंने ये कहा कि राज जो है एक समझौते का परिणाम है। राजा इसमें क्या होता है, अपनी भूमिका निभा रहा है ना। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड मतलब जो फ्री ट्रेड की अदालत कर रहे हैं, मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में राजा की मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, मिल्कियत सभी लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अमेरिकी क्रांति से भी सीख मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फ्रांस ने कई सारे रूसो बोलते दार्शनिक है ना, ये फ्रांस जो अमेरिका की क्रांति हुई थी यहाँ पर लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यार वहां पर हम क्रांति ला सकते हैं, वहां पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो अपने लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर सकते हैं, अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। इन्होंने जो भाईचारे की बात की, स्वतंत्रता की बात की, समानता की बात की, ये सारी गूंज पूरे यूरोप में धीरे धीरे फ्रांस में गूंजने लग गई है ना। तो तत्कालीन कारण क्या था कि आर्थिक संकट के कारण राजा सुन ने आपको बताया, राजा के पास लोग गए गुहार लगाई ऐसी सी बात है, लेकिन राजा नहीं माना। तो उन्होंने क्या किया, तीसरा वर्ग का थर्ड स्टेट बोलते हैं, तो थर्ड स्टेट ने अपनी एक मीटिंग की बास्तविक किले के पास में। उन्होंने बोला कि देखो अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग क्या बोलते, हम लोग क्रांति कर देंगे और हम लोग राजा को सत्ता से अलग कर देंगे। और उन्होंने ये कहा कि हम अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। उन्होंने वास्तविक किले को तोड़ा, राजा को बाहर निकाला, राजा को फांसी चढ़ाया और समझ लीजिए क्रांति को मतलब वहां पर फिनिश कर दिया, मतलब तख्ता पलट हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या बोलते जो थर्ड स्टेट था कि इसने क्या बोलने के लिए आगे सरकार बनाई है ना। ये फ्रांसी क्रांति का मतलब एक भूमिका। फिर इसके बाद क्या होता है, मतलब कई और तरीके के लोग आते हैं, जैसे कि इस समय पे आपको जैकोबिन देखेंगे, लायक शासन आएगा, ये सारे लोग धीरे धीरे आते हैं। तो उठापटक चलती रहती है, लेकिन फ्रांसी क्रांति में ये आपको बताया रिलीजन क्या कहते हैं, तत्कालीकरण क्या था, तत्कालीकरण तो सिर्फ महंगाई, लोगों की परेशानी, लोग परेशान हो चुके थे शासन से, है ना। आपको क्लियर है, समझ आया।